के कब पता चला है कि शीतला माई आपके दुआरे आए बाटिन? 20 साल हम देख नहीं पाए। क्या नाम हो गए आपके? अरे जाए दे तो। अरे आप शीतला माता का दर्शन करे आए हैं, इतनी अच्छी बात बाटे। आपके गांव के कहीं ना कहीं विकास होत बाटे, आपके गांव में बहुत चर्चित विषय चलत बाटे। आप नाम बताओ शर्माथिन बतावा। हमारा नाम मुनीता है। अच्छा मुनीता हो। कब, अच्छा आपको कब पता चला कि माँ शीतला जी आई हुई हैं? 20 साल। आप यहीं के निवासी है कहीं और से आई है? हम थलौई के निवासी है। अच्छा अच्छा, चलिए वक्त हमको बहुत समस्या हुई, रास्ता नहीं है आपके यहाँ। मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे हम किसी नारे और खो में जा रहे हों, इसके बीच में आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले रास्ता का अभाव बहुत पहले से था जी। मियाँ के पेड़ावा में आ गए माई, बाबा सिरवा पे हो के और सवारी, जय हो। अरे खुशी के पूरा माहौल है, जय हो जय हो। गाने से गाओ सोना ही ता बाजार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और वीडियो में। अभी हमारी मौजूदगी है गणेशपुर गांव में और यह माता जी है हमारे बीच में। आप लोग को बता दें कि नीम के पेड़ में साक्षात माँ शीतला जी का वास हुआ है। यह है दोस्तों नीम का पेड़। और आप लोग को बता दें कि तमाम श्रद्धालु जन हैं हमारे बीच में जो कि माँ शीतला जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से एक बार आप सबको दिखाइए, देखिए कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ जमा है, जो लोग लगातार शीतला माँ का दर्शन कर रहे हैं। एक बार सबको आप दिखाइए बस। और चलिए ये माता जी है, इन्हीं के घर पे माँ शीतला देवी जी का आगमन हुआ है। सबसे पहले माता जी से कुछ बातचीत करेंगे फिर आप लोग को बताएंगे। माता जी का नाम हो गए आपके? गायत्री शर्मा। गायत्री शर्मा, ये आपके कब पता चला है कि शीतला माई आपके दुआरे आए बाटिन? 20 तारीख। 20 तारीख के? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माता जी जब ये शीतला माई आई है आपके दरवाजे पे, आपके कैसे मालूम चला कि हमारे नीमिक पेड़ी में शीतला माई आई हैं? हमारे दामाद आए रहे हैं राहुल शर्मा। अच्छा अच्छा, यहीं सोवा रहे हैं। हाँ। तो नहीं भोले बाबा के सपना देखें। अच्छा, तो भोले बाबा के सपना देखें तब एक बाद हमें बताएं, तब उठ के खड़ा भयन। हाँ। तो आए के यहीं खड़ा रहन, तो कहन मम्मी आई नीमिक पेड़े में देखा। हाँ। तो नीमिक पेड़े में देखे तो हमारे आत्मा में आ गया कि तो शीतला माई है। हाँ। तब हम केहूस कहे ना आए। हाँ। तो आरी बगल के जनाए अपने सास को दिखाए। हाँ। तो बोलन सब की शीतला माई हैं। अच्छा अच्छा, एकरे बाद तब सेवकिया के लगे गए। हाँ। सेवकिया आयन उनका देखें, मना जैसे अगरबत्ती जलायन वैसे ऊपर आए गए। अच्छा अच्छा, बोलिन के हम बिन्हा चल के शीतला माई है। हाँ। तो हम बोले मावा कैसे आओ तू हमारे यहाँ? हाँ। गरीबे मनई की है। हाँ। कहन की तोर छाया दे आई है। अच्छा अच्छा, तोरे ऊपर बड़ी मुसीबत पड़ी रहे। तो हम कहे देवी माई तोहर कैसे पूजा करब हम? तो कहन एक लोटा पानी और ये अगरबत्ती हमें दे देवा करबे सवेरे संझा। हाँ। तो हम बहुत खुश है। अच्छा, तो के छाया दे आई है। हाँ। तोर मुसीबत देख के आए हम। अच्छा अच्छा, तो माता जी कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इस नीम के पेड़ में साथ साथ शीतला माँ साक्षात प्रकट हुई है। हाँ, है छोटा छोटा है, लेकिन अभी हम लोग को एक ही शीतला माँ दिखाई दे रही है, ऐसा इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, यह देवी माई है। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। माता जी का राय आप लोगों ने हमारे बीच में जाना और इनके दामाद जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आइए, आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? जी राहुल शर्मा। जी राहुल शर्मा, आपको यह जानकारी कब पता चली कि इस नीम के पेड़ में साक्षात शीतला माँ आई हुई है? हमको 19 पिछले महीना। हाँ हाँ, 19 तारीख को देखे थे और 20 को हमको सुबह ये दिखाई दिया देवी माँ को। अच्छा अच्छा जी, सबसे पहले आपने किसको सूचना दिया कि आपके नीम के पेड़ में माँ शीतला जी आ गई हैं? सबसे पहले मैं अपने सासू माँ को दिया था जो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर है मौजूद। जी, जी, जी बिल्कुल जी, उनको दिए। फिर उसके बाद फिर इनको दिए, तो इसके बाद फिर 2-3 उनके गाँव के हैं उनको बुलाए, फिर उन्होंने भी देखा, फिर इनके गाँव में कोई है सेवक करके देवी माँ का, फिर उनको बुलाया गया, उनके ऊपर शायद आए, फिर ऐसे ऐसे माली भी आए और बहुत सारे लोग आए, अब तो काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जी, जी। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं माँ शीतला जी का दर्शन करने के लिए? जी अभी तक तो हम देख रहे हैं जैसे आपका प्रतापगढ़ हुआ, जौनपुर हुआ और सुल्तानपुर, आजमगढ़ जी जी और प्रयागराज जी जी, अभी तक इतनी दूर दूर से जो सुन रहे हैं वो आ रहे हैं। अच्छा,
चलिए बहुत अच्छी बात। आपको बता दें कि लगातार इस गांव में तमाम जगहों से महिलाएं और पुरुष लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, माँ शीतला जी का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कुछ गीत के लाइनें हो जाएं इस पावन पर्व पे। हाँ बिल्कुल, कुछ गीत के लाइनें हो जाए, माँ के आगमन में कुछ गुनगुनाहट जरूर हो जाए। चलिए जी, ये गाना मैं खुद स्वयं बनाया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। निमिया के पेड़ावा में आ गई ले माई, बाबा सिरवा पे हो के और सवारी, जय हो, अरे खुशी के पूरा माहौल है, जय हो जय हो, ताली बजाइए से पूरा गांव है, सोना ही ता बाजार है, जय हो, गणेशपुर गाँव हा, सोना ही ता बाजार हो। अगली लाइन क्या है? बिंधा चल के बिंध्यवासिनी, मैहर के मैहर वाली हो, और आ गई देखा ये भगतो आ हमरे दुआरी हो। अरे थोड़ा सा ताली तेज से बजाइए आप लोग। बताई अरे खुशी के पूरा माहौल है, गणेशपुर गाँव है, सोना ही ता बाजार है, गणेशपुर गाँव है, सोना ही ता बाजार है। एक बार बोला सच्चे दरबार की। बहुत अच्छा लगा आपका यह गीत, और आपने हमें बताया कि किस तरीके से माँ शीतला देवी का यहाँ पे आगमन हुआ। कुछ श्रद्धालु लोग हमारे बीच में, आइए उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले चचा जी हमारे बीच में, क्या नाम हुआ आपका? पप्पू नाम है आपका? प्रजापति। अच्छा पप्पू प्रजापति जी, आप कहाँ से हैं? ये बगल इटाहा गांव है। इटावा गांव है? इटाहा इटाहा इटाहा। अच्छा अच्छा, ये आपको कब पता चला कि गणेशपुर गाँव में माँ शीतला देवी जी का आगमन हुआ है? 20 दिन पहले। 20 दिन पहले, और लगातार यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सब आ रहे हैं, अपना जो भी मन्नत मांगना ये सब पूरा कर रहे हैं देवी माई। अच्छा, आपको साक्षात लगता है कि माँ शीतला जी आई हुई हैं? जी जी जी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात। एक और चाचा जी हमारे बीच में, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार सिंह। अशोक, आप कहाँ से हैं? विजयपुर गाँव से। विजयपुर गाँव से? विजयपुर। विजयपुर। अच्छा, आपको कब पता चला कि माँ शीतला जी आई हुई हैं? 20 तारीख को। 20 तारीख के, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। गाँव से हैं, इसके पहले पूर्व प्रधान थे। अच्छा, वर्तमान में जगदीश बिंद यहाँ के प्रधान हैं। अच्छा अच्छा, वर्तमान के यहाँ के हैं, ये गणेशपुर गांव है। अच्छा, आपके गांव में माँ शीतला जी का आगमन हुआ है और तमाम जगहों से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, माँ शीतला जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। ऐसे में हम बता दें, आते वक्त हमको बहुत समस्या हुई, रास्ता नहीं है आपके यहाँ। मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे हम किसी नारे और खो में जा रहे हों, इसके बीच में आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले रास्ता का अभाव बहुत पहले से था जी, और यहाँ पे लगभग कुछ लोग यहाँ के जो सार्वजनिक निवासी पूर्ण रखे हैं वो अपने स्वयं काम किए हैं जी, जो इसका पेमेंट प्रधान ने किया है। हाँ। रास्ता यहाँ पे है विवादी रास्ता, यहाँ पे वहाँ पे चक मार्ग है लेकिन वो पे लफड़े में है। यहाँ पे शुरू से ही चीज़ को दिखाया जा रहा है, रास्ते के लिए दिखाया जा रहा है, तो इस पर संज्ञान लिया गया है। कल से शायद रास्ते का काम शुरू हो जाएगा प्रशासन के माध्यम से भी, बाकी यहाँ के जो निजी मामला है वो आपस में बैठ के कर लिए हैं और काम भी शुरू हो जाएगा कल से लगभग। अच्छा, आपको कब जानकारी मिली कि माँ शीतला जी का आगमन? लगभग पिछले 20 तारीख से हुआ है इस चीज़ को। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे पंडित कुलों को बुला के दिखाया गया, जो माली दिखाया गया, तो उन्होंने बताया कि साक्षात यहाँ पे इनका रूप है। अच्छा अच्छा, तो उस दिन के सोशल मीडिया के माध्यम से प्लग यहाँ से जितने भी हैं गाँव के निवासी हैं, इस हिसाब से ज़्यादा भीड़ उमड़ी है और ये लगातार 9 दिन 10 दिन चलेगी अभी। नवरात्रि में दूर दूर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आएंगे भी। चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी भी हमारे बीच में मौजूद रहे और अपनी बातों को उन्होंने रखा। कुछ चाची लोग हैं हमारे बीच में, आइए बातचीत करेंगे। चाची, का नाम होंगे आपके? इसको मत पकड़िए, मैं हूँ सर, हम थलोई से, हीरावती नाम है। अच्छा, हीरावती नाम है। हाँ। आज आप यहाँ पे माँ शीतला हाँ। देवी जी का दर्शन करने आए, ये आपको कब पता चला? आज 3-4 दिन पता चला। तीन चार दिन पता चला। हाँ। आप यहीं के निवासी है कहीं और से? नहीं, हम थलोई निवासी है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और चाची जी हमारे बीच में है, क्या नाम हुआ आपका? परमीला। परमीला नाम है। कैसे पता चला कि माँ शीतला जी का आगमन हुआ है? हल्ला होने लग, तब इसके बाद हम कहे हल्ला होने लग गया, इसके बाद हम दर्शन करने चले आए। थलोई निवासी है। चलिए अच्छी बात है।
और भी कुछ महिलाएं हमारे बीच, क्या नाम हुआ? सरिता बिंदे। सरिता, कैसे पता चला आपको माँ का आगमन हुआ? सर मेरा ये दीदी का घर है। अच्छा अच्छा। तब उन लोग कह रहे हैं कि माई जी नीम के पेड़ में हमारे पास में निकले, आप भी दर्शन करने आ गए। आप, हमें भी दर्शन करने आ गए। आपका ससुराल कहाँ है? हमारा ससुराल दाऊदपुर है। अच्छा, दाऊदपुर है, जिला जौनपुर ही? हाँ, जिला जौनपुर में है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। कुछ और भी महिलाएं हैं हमारे बीच में, बातचीत करेंगे। क्या नाम हो गए आपके? अरे जायदेद। अरे आप शीतला माता का दर्शन करे आए हैं, इतनी अच्छी बात बाटे। आपके गांव के कहीं कहीं विकास होत बाटे, आपके गांव में बहुत चर्चित विषय चलत बाटे। आप नाम बताओ शर्माथिन बतावा। हमारा नाम मुनीता है। अच्छा मुनीता हो। कब आपके पता चला कि माँ शीतला जी के आगमन भवाटे? 20 तारीख के। 20 तारीख के आप लगातार आवत है? हाँ, हमारे सबके घर आई है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपके का नाम हुए? मंजू। मंजू नाम है। कब आपके पता चला कि शीतला माई आए? जब यहाँ निकली तभी। अच्छा, तभी से? तभी सबसे बराबर। अच्छा, आ रही है। आप सब महिलाएं हैं और नवरात्रि का भी पर्व हम लोग के बीच में आ गया है। हम चाहब के का देवी पचरा आप सब गाय देते हैं, बहुत बढ़िया रहा। दोस्तों, यह महिलाएं हैं हमारे बीच में, गणेशपुर की महिलाएं हैं और नीम के पेड़ में साक्षात शीतला माँ प्रकट हुई है। उनकी खुशी में ये लोग देवी पचरा गीत सुनाएंगे। कहिए। स्वर्ग से उतरी मैया निमिया डरिया बैठियो बदलैला गिना माई मोरतीना मीना रूपवा मैया बदलैला गिना। क्या बात है। तो अभी हमारे बीच में आप लोग देख रहे थे, एक गणेशपुर के गांव के लोग थे, इन्होंने बताया कि कैसे शीतला माँ जी का यहाँ पर आगमन हुआ। कुछ महिलाएं थी, देवी गीतों के माध्यम से आप लोग को गीत भी सुनाया, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं गणेशपुर गांव में माँ शीतला जी का दर्शन करने के लिए, बेझिझक आइए, आप लोग का स्वागत है यहाँ पे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपना राय बताइएगा। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा कुछ न कहते हुए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय माँ शीतला देवी।